नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, इस आधुनिक दौर और भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर किसी के पाले में ये कामयाबी नहीं आती। वैसे भी इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कामयाबी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, और खासकर यदि वो महिला मुस्लिम समुदाय से आती है तो उसकी संघर्ष की कहानी और भी लंबी हो जाती है। और CFM न्यूज चैनल आप लोगों को ऐसी ही एक मुस्लिम महिला से रूबरू कराएगा जो काफ़ी मशक्कत और संघर्ष के साथ अपने आप को प्रूव की है और ये साबित की है कि मुस्लिम महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर आयशा ताहा से, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम साहब। डॉक्टर साहब, आपकी इब्तदाई तालीम या प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी फ्रॉम नर्सरी टू अप टू क्लास 12 मेरी सारी पढ़ाई आसनसोल की है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से, दैट इज़ अ CBSE बोर्ड। मैंने वहाँ से अपनी कंप्लीट की, देन आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माई ग्रेजुएशन, और उसके बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ से किया है। लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लखनऊ, और बैंगलोर में डॉक्टर राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अच्छा, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपने क्या किया? एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तो एज यूजुअल जैसे सभी लड़कियों का होता है, शादी करना, घर से वो रहता है, ये जो कि इट्स ओके, इट्स फाइन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले शादी हुई मेरी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा परिवार मिला जो लोग पढ़ाई को सपोर्ट करते थे, और स्पेशली जिसमें मेरे हस्बैंड, उनका कहना था कि तुमको लाइफ में ऐसा जो करना करो, तुम चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो, और अगर नहीं पढ़ना का मन है तो घर बैठो, कोई तकलीफ नहीं है। क्या नाम है? मिस्टर कमर खुशनूर। अभी क्या करते हैं? कमर खुशनूर इज़ अ बिजनेस मैन, इज़ अ MBA एंड आगे उनका बिजनेस करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये फ्रीडम एंड ऑप्शन दिया कि अगर तुमको नहीं पढ़ने का मन है, घर बैठना है तो बैठो, कोई मेरी तरफ से दबाव भी नहीं है, लेकिन अगर तुमको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकती हो। अभी हाँ। तो आप डॉक्टर हो, अभी अभी आपकी क्या महसूस किया, अभी कहाँ कहाँ बैठते हैं आपके चैम्बर में? अभी मॉर्निंग में मैम यहाँ मिडवेस्ट हॉस्पिटल में, यहाँ पे एक डेंटल पूरा डिपार्टमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी यूनिट, जो मैं यहाँ आसनसोल में फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, जहाँ पे जो ये इस कॉन्सेप्ट ने बड़ी शहरों में ये वर्क हो रहा है ऑलरेडी, और अब्रॉड में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, और बड़े शहरों में ये बहुत सक्सेस भी है। आसनसोल भी एक बड़े शहर की तरफ ही बढ़ रहा है। इसमें क्या किया गया कि सबसे पहली बात, डेंटिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये लोगों को आज तक पता ही नहीं है इस इलाके में, लोकल आसनसोल एरिया में लोगों को लगता है दांत का डॉक्टर होता है बस, उसके आगे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन दांत के में भी क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की स्पेशलाइजेशन जो कि मेरी है, उसमें बच्चे में जब दांत में प्रॉब्लम होती है तो किस टाइप से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसका क्या इलाज किया जाता है, उसकी एक फील्ड अलग होती है। अब ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी इसकी एक अलग फील्ड होती है। किसी तरह का सर्जरी, ट्यूमर, कैंसर, सिस्ट, इस टाइप की जो चीज़ें जबड़े में होती है उसका स्पेशलाइजेशन होता है। दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसको सीधा किया जाता है, उसका स्पेशलाइज। कितने साल से? हाँ, डेंटल में मेरा ऑलरेडी दिस इज 2011 में आई हैव कंप्लीटेड, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स। अभी जो आप डेंटल का नाम आते हैं हम लोग बस समझने के लिए दांत, अदरवाइज हम उसको समझ नहीं पाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है डेंटल में? देखिए, डेंटल एक ऐसा चीज़ है, दांत की प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में वो आपको कोई दिक्कत नहीं देता है और हम लोग इग्नोर करते हैं, चाहे दांत हो या गम्स हो, लेकिन इवेंचुअली वो बढ़ता ही है, वो अपने से कभी रुकता नहीं है।
सो वॉट एडवाइस आई गिव टू ऑल माई पेशेंट कि इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट करा लो, देन इट इज़ बेटर. लेकिन दांत अपने से कभी हील नहीं होता है, डेंटल वर्क जो भी है अपने से कभी वो ठीक नहीं होता, वो एग्रीवेट ही करेगा, वो बढ़ेगा ही. तो इट्स बेटर कि हम पहले ठीक करा लें. बढ़ेगा तो दर्द होता है, स्वेलिंग आती है, पेन, और पूरा वो पूरा एरिया ख़राब हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है, ब्यूटी आपकी ख़राब होती है, खाने में दिक्कत होती है, उधर से लोग खाना बंद कर देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम, और आगे जाके इट कैन टर्न इट टू सिस्ट एंड ट्यूमर भी बन जाता है. माउथ वॉश यूज़ करें एक रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें. दिस इज़ द बेसिक थिंग, अगर करेंगे तो हाइजीन अच्छी रहेगी. हाइजीन गंद खराब होने से ही सारी प्रॉब्लम बढ़ती है. और दूसरी एक जो रीज़न है जो लोग इग्नोर कर देते हैं कि सिस्टमिक प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, या किसी को थायराइड है, प्रेगनेंसी है, इन सब चीज़ों में, या मिर्गी की जो एपिलेप्सी बीमारी होती है, किसी तरह के ड्रग्स में है, तो इस टाइप की चीज़ों में डेंटल प्रॉब्लम एग्रीवेट करता है, बढ़ता है. तो उसमें हाइजीन अच्छा रहेगा भी तो भी डेंटल प्रॉब्लम होता है, और डेंटल प्रॉब्लम ठीक नहीं करने से ये प्रॉब्लम और बढ़ती है. तो इट्स लाइक अ साइकिल, इससे ये बढ़ेगा, ये कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो ये और इसको बढ़ाएगा. तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए दोनों का साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट कराने से दैट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू अब्रॉड, वहाँ पे किसी भी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी से पहले डेंटल परमिशन लेना पड़ता है, डेंटिस्ट से कंसल्ट लेना पड़ता है कि आप डेंटली फिट हो कि नहीं है, देन ओनली विल प्रोसीड विद दी हार्ट सर्जरी और हार्ट ऑपरेशन. इंडिया में अभी ये नहीं है, हार्ट ऑपरेशन डायरेक्ट करते हैं, डेंटिस्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते. लेकिन दिस लिंक विच इज़ देयर, इसमें कई सारी स्टडीज़ और रिसर्च करके इट हैज़ बीन प्रूवन कि इफ़ यू ट्रीट दिस देन ट्रीटमेंट ऑफ दिस बिकम ईजियर एंड इट बिकम्स लाइक रिजल्ट इज़ बेटर. अभी तो आप फेमस डॉक्टर हो, आप आज यहाँ पे पहुँचे हो, इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड विच एनीबडी कैन हैव. इससे ज़्यादा कीमती दौलत एक लड़की को खास करके कोई नहीं दे सकता. इनफैक्ट मेरे पापा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका कहना था, और मेरी मम्मी भी इस चीज़ में, कि अगर एक लड़की को आपको दहेज देना है तो उसमें उसको एक तालीम दो, वो उसको सारी ज़िंदगी उसको फ़ायदा देगी. कितना भी पैसा जेवर या सामान दे दो, वो कुछ ही दिन का रहता है. तालीम सबसे बेहतरीन दहेज होता है किसी लड़की के लिए. तो ये ख़ास करके मैं अपने ख़वातीन लोगों के लिए और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको कहूँगी, उनके माँ बाप को कहूँगी, आप अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दीजिए, उनके हाथों में हुनर दीजिएगा, दैट विल बी द बेस्ट थिंग. मेरा तो डॉक्टर बनने का, उस वक्त मुझे उतना आइडिया भी नहीं था कि डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं. MBBS यूजुअली सब करना चाहते, मैं भी MBBS करना चाहती थी, MBBS क्वालिफाई भी किया था, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से किया था, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है. देन वी गॉट इन टू डेंटल. स्टार्टिंग में मुझे नहीं अच्छा लगता था, एक साल दो साल ऑलमोस्ट नहीं अच्छा लगा था. नहीं, जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझने लगी, सीखने लगी, और इसमें कितना स्कोप है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, और कितने तरीके का इलाज है, जिससे कितना, इट्स लाइक डेंटिस्ट्री का डेफिनेशन है आर्ट एंड साइंस. इसमें आर्ट भी है कि आप एक चीज़ को रीबिल्ड कर रहे हो जो चीज़ ख़राब हो चुकी, और साइंस है, इट्स एन आर्ट एंड साइंस. ये चीज़ जब मैंने सीखा, ये मुझे इट्स अ मिक्सचर ऑफ इट्स एन आर्ट एंड साइंस. तब मुझे इस प्रोफेशन से, राइट नाउ आई एम इन लव विथ माई प्रोफेशन, मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद है, और मैं इसको प्रमोट करती हूँ कि जितना भी लोग इसके समझे इसका इम्पोर्टेंस. यहाँ तक पहुँचने में क्या चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा? कुछ तो चैलेंजेस आए थे जिनको जिंदगी में, कभी ऐसा लगा कि नहीं आयशा हार गई, ठीक है, उससे कैसे रिकवर कर पाए? आयशा मेरा लकीली, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का, और जहाँ मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड का, मिस्टर कमर खुशनूर, उन्होंने बहुत ट्रेमेंडस सपोर्ट किया हर तरह से. इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियली, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है मोरल, एक बैकअप कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ तुम्हारे साथ. तो उन्होंने वो सपोर्ट दिया, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हाँ, चैलेंज ये आई कि जब बीच में शादी हो गई तो थोड़ा लगा कि ब्रेक आ जाएगा. जब वेन आई गॉट प्रेगनेंट, जब बच्चे होने का टाइम आया, तब बहुत मुश्किल होती थी कि दोनों फील्ड को बैलेंस करना, बच्चा भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है, आगे काम भी करना है. तो दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप अ बैलेंस. लेकिन इफ़ यू हैव दिस डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन कि मुझे करना है, तो आप कीजिएगा, और अगर आप घर बैठ जाइएगा तो यू कैन नॉट बी एबल टू डू. मैं चाहती हूँ कि जो हेल्थ सेक्टर, जो ख़ास करके इस छोटे सब अर्बन एरिया में, आसनसोल में, जो पीछे पड़ा हुआ है, और आजकल लोग बाहर भागते हैं, कैलकटा नहीं तो साउथ चले जाते हैं, हैदराबाद, वेलोर चले जाते हैं, या कुछ और पैसे वाले होते तो वो सोचते मैं बाहर ही चला जाऊँ.
तो वो चीज़ को मैं ठीक करने के मैं इसमें कोशिश करूँगी, खास करके मेरा डेंटल डिपार्टमेंट है, तो मैं चाहूँगी कि सारा जो बेसिक बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपको घर बैठे मिले। और यहाँ पे मैंने वो बहुत हद तक मैं कामयाब भी हूँ कि मैंने सारे स्पेशलिस्ट को एक जगह इकट्ठा कर रखा है कि जो जिस चीज़ का स्पेशल केस होगा वो ट्रीटमेंट करेंगे। वो तो ठीक है, डॉक्टर आयशा ने ऐसा को ख्वाब देखा जब तक पूरा नहीं। हाँ, माय ड्रीम इज़ टू वर्क इन द हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए इंशाल्लाह तले एक डेंटल हॉस्पिटल और डेंटल मल्टी स्पेशलिटी विथ अ पीडियाट्रिक फोकस, क्योंकि पीडियाट्रिक मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो उसको फोकस में रख के एक यूनिट जहाँ पे बच्चों को ओवरऑल हेल्थ, जनरल हेल्थ एंड डेंटल हेल्थ साथ में मिले। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा जो ट्रीटमेंट जो आसनसोल में अच्छे अच्छे डॉक्टर है, इसके बावजूद लोग शौक की तरफ क्यों भाग रहे हैं? बिकॉज लोगों का भरोसा थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे वो फैसिलिटी और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जहाँ कमी है, आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड इट कि वो सेम फैसिलिटी सेम चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाए, और ऐसा भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं जितना लोग सोचते हैं, तो आई थिंक यू कैन गेट द सेम ट्रीटमेंट हियर। अभी हम लोग देखते हैं समाज में खासकर खवातीन के साथ बहुत जुल्म जबरदस्ती होता है, कुछ टैलेंटेड हैं लेकिन उनके माँ बाप उनको बच्ची को पढ़ने नहीं देते हैं, उनके उस माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज है? माँ बाप के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो एक किसी भी लड़की को जो आप दहेज देने दीजिएगा तो उसको तालीम जो होता है दैट वो सबसे बेहतरीन दहेज है जो आप एक लड़की को दे सकते हैं। पैसा और जेवर ये सब चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है, तालीम हमेशा उसके काम आता है। और ये माँ बाप को समझना होगा कि बच्ची के अंदर भी पोटेंशियल है, और आजकल लड़का लड़की दोनों बराबर है, लड़का भी शादी के बाद बाहर रहने लगता है, जिस तरह से लड़की शादी के बाद चली जाती है लड़का भी तो चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट रखना कि लड़का के लिए ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो मेरे को रिटर्न में मिलेगा, ये इट्स नॉट वायबल इन मॉडर्न वर्ल्ड। लड़कियाँ इनफैक्ट दे कैन डू बेटर, अपने बेटी पे फेथ करना चाहिए, बेटी पे बिल्कुल फेथ करना चाहिए, और लड़कियों को भी हार नहीं मानना चाहिए, उनको भी जिद से खड़े होना चाहिए कि नहीं आप मेरे लिए कीजिए, आप मुझे दोड़ा कपड़ा कम दीजिए लेकिन मेरे लिए ये करके दीजिए। अच्छा, आप तो एक डॉक्टर हो, एक माँ हो, एक हाउस वाइफ हो, इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर जो लड़की टैलेंटेड है और ख़ुद को अपने आप को घर में कैद कर ली है, उसके लिए क्या पैगाम है? मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट होल एंड अपने लिए आइडेंटिटी बनाइए, अपने लिए कुछ कीजिए, बाद में लोग आपको एज ए एग्जाम्पल लेंगे, एंड इट डेफिनेटली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो आपको खुशी देगी दैट इज़ अनकम्पेरेबल, वो आपको किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। लोग देख रहे हैं समाज में पान गुटखा खाना एक फैशन हो गया, आप तो डेंटल का डॉक्टर है, उससे क्या नुकसान होता है? बहुत बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज है, और अपने लाइफ में अपने करियर में हज़ारों केसेस ऐसे देखे जिसमें कैंसर हो चुका और प्री कैंसरस कंडीशंस में लोग, और बहुत यंग बच्चे जिनको पता नहीं, जो कैंसर जो होता है, जो माउथ कैंसर होता है, जो गुटखा पान तंबाकू खैनी गुल सिगरेट इन सब चीज़ों से होता है, और ये जब एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि उसको क्योर करना उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो पूरा वो जबड़ा कट करके निकालना पड़ता है और वर्स्ट केसेस में डेथ भी हो जाती है। इसमें जो एक जो ख़ास बात ये है कि इनिशियल स्टेज में वो नोटिस में नहीं आता है, बच्चे जो होते हैं वो खाते रहते अंदर में डेवलप होते रहती है वो चीज़ें, और वो जब स्टेज वन में रहता है तो उनको खुद ही एहसास नहीं होता कि अंदर में कैंसर घर कर गया है, और जब वो ऑलरेडी बढ़ चुका होता है जब वो परेशानी ज़्यादा हो जाती तब बच्चों को एहसास होता है। तो आई विल एडवाइस कि एकदम पूरी तरह से ये जहर है, और जहर का रीज़न भी बताते हैं, जो हमारा मुंह का अंदर का चमड़ा होता है और जो स्किन का चमड़ा होता है उसमें फ़र्क होता है। स्किन के चमड़े से चीज़ें अंदर उतनी एब्जॉर्ब नहीं होती है, दवाइयाँ एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, लेकिन मुंह का जो चमड़ा होता है वो सेमी परमेबल होता है, उससे चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं अंदर, जिसम में डायरेक्ट खून में आपका जाता है। तो जब खैनी या गुल आप मुँह में दबाते हो, अपने गाल में दबाते हो, तो उसके चमड़े से वो एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट आपके खून में जाता है और वो डायरेक्ट आपको असर करता है, मौत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल दावत दे रहे हैं, और इससे इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि सबसे पहले ये बुरी आदत छोड़ दे, ये जहर है, स्लो पॉइजन है, और इसको कंट्रोल करना एट द एंड बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया आने के बाद हम लोग देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो या आपके जगह टीचर हो, जितने लोग हैं सब अपनी ज़िंदगी को मोबाइल तक लिमिटेड कर लिए हैं, रात दिन हम लोग बस वो लोग मोबाइल ही में रहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज, जैसे क्या हम लोग का ज़िंदगी और बर्बाद हो रहा है? देखिए, दिस इज़ अ आई कुड से कि ये कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी है, आपको वो डेटा फ्री में दे रहे हैं,
आपको जो इजी सर्विस फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उससे आपका माइंड उस जगह पे इतना इंगेज हो जाता है कि आप कुछ प्रोग्रेसिव काम की तरफ सोच ही नहीं सकते हैं। अब जैसे पॉलिटिकल इश्यूज में आप आते हैं तो आपका माइंड को वो इस तरह से इंगेज कर देंगे, जो असली मुद्दा है वो छोड़ देंगे लोग और बेकार के मुद्दे में लगे रहेंगे। जो एक्चुअली में जो देश में प्रॉब्लम है उसको नहीं देखेंगे, लोग वीडियो गेम्स और मोबाइल में ही बिजी हैं। आप अपना करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप वीगो वीडियो और जो टिकटॉक है वो बनाने में बिजी हैं, वो तो आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा। जो आप करियर बिल्ड कीजिएगा अपना, दैट विल लास्ट फॉर यू। सो यू शुड थिंक इन दैट वे कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं, आप अपना करियर और अपनी ज़िंदगी के साथ नुकसान कर रहे हैं। और आपने जो ख़वातीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था कि उनको कुछ करना चाहिए, तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना ही एक प्रोफेशन है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक सपोर्ट भी चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए। अगर आप किसी वजह से वो नहीं कर पाए तो इट्स नॉट दैट कि आपकी ज़िंदगी वहीं लिमिटेड है। किसी भी फील्ड में छोटे से काम शुरू कीजिए, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई या ट्यूशन पढ़ाई। अगर आपको किसी उर्दू में आपका कमांड अच्छा है तो उर्दू की ट्यूशन लीजिए, या आप जिस भी चीज़ में आपके अच्छे हैं, बट यू शुड कीप ऑन वर्किंग। घर बैठ के मोबाइल करने से इट्स यू नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिर सवाल ये है कि आप तो एक मशहूर डॉक्टर हो और आपने प्रूफ किया है जिंदगी के चैलेंजिंग में, आपने शाम आके खुद को प्रूफ किया है। जो लोग जिंदगी से हार मान गए हैं उसके लिए क्या मैसेज है? जिंदगी से हार क्यों माने? लाइक जो हार मान के कुछ करना नहीं चाह रहे उसके लिए क्या मैसेज? वो लगता है कि अब जिंदगी कुछ नहीं होगा, बस अपनी जिंदगी खत्म कर लो, उसके लिए क्या मैसेज? नहीं, जिंदगी खत्म करना इज नॉट द सोल्यूशन। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कभी देर अ टाइम आपको लगे कि आगे आप कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप यू कैन स्टार्ट अफ्रेश। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, कि ऐसे नहीं कि आप पूरा अपने आप को गिव अप कर दो कि आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। डिप्रेशन को वैसे बहुत से लोग सुसाइड डिप्रेशन एग्जैक्टली उस वैसे लोगों के लिए क्या डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप किसी से दोस्ती कीजिए। डिप्रेशन का रीज़न होता है कि हम लोग अपने दिल की बात नहीं निकाल पाते हैं। उसके लिए हम लोग अपने अंदर ही जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दफन हो जाती है, दैट लीड टू डिप्रेशन। तो उसके लिए आप अपने घर वालों से, उसके लिए माँ बाप को सपोर्ट देना चाहिए कि बच्चे से जाके बैठे बातें करे, मोबाइल और फ़ोन और घर का काम काज छोड़ के बेटा से पूछे कि क्या तकलीफ़ है, और कोई दोस्त बनाए जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सके, और उससे आप डिप्रेशन से बाहर। जितना आप चीज़ों को अंदर रखिएगा उतना आप डिप्रेशन के दलदल में घुसते चले जाइएगा। और जो एक और जो प्रॉब्लम जो होती है कि लोग करियर से भी बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हाँ, कि आगे फिर क्या रास्ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे करना था MBBS, जब MBBS नहीं हुआ था BDS हुआ था, आई वाज आल्सो इन डिप्रेशन। मेरे पापा जब गुजर गए थे ऑलमोस्ट बहुत दिनों तक मैं डिप्रेशन में थी कि आगे मेरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन घर वालों से भी सपोर्ट मिला, प्लस आपको अपने आप को गैदर करना है कि कोई तो आपके लिए है जिसके आपको प्रूफ करना है। किसी के लिए तो खुद के लिए तो प्रूफ करना है, यस आई कैन स्टैंड एंड आई कैन बी एन एग्जाम्पल। मैं खुद में एक एग्जाम्पल सेट करूँगी जो दूसरे लोग मुझे फॉलो करेंगे। सो यू कैन स्टैंड अप व्हेनेवर यू वांट टू। चलिए, आपने जो ख्वाब देखी हम लोग चाहते उसकी ताबीर हो, वो ख्वाब पूरा है। थैंक यू, आपने हमारे चैनल से बात किया, उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू।